Assalamu alaikum viewers, I'm your host Arush Nasir and I welcome you all to your favorite program, Today's Menu. व्यूअर्स, आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, हमें आपके लेटर्स मौसूल होते हैं जिसमें आप हमारी बहुत ही तारीफें लिखकर भेजते हैं और स्पेशली उन रेसिपीज़ की जो बहुत ईजी टू कुक होती हैं। ऐसी ही कुछ रेसिपीज़ हम आपको बनानी सिखाएंगे आज अपने प्रोग्राम में। हमने आपको चाइनीज़ भी बनाना सिखाया, कॉन्टिनेंटल भी बनाना सिखाया और आज हम आपको कुछ पाकिस्तानी डिशेस बनानी सिखाएंगे। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लोग बहुत शौक रखते हैं खाने बनाने का, खाने पकाने का और इसके साथ साथ खाना खाने का। और स्पेशली जब हम बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर तो जिसे कहते हैं ना कि गढ़ है खानों का। आप किसी भी रोड पे निकल जाएं तो आपको 10-12 रेस्टोरेंट्स वहाँ पे नज़र आएंगे। बल्कि अब तो रिसेंटली एक जो ट्रेंड चला है वो फूड स्ट्रीट्स का है, जहाँ पे आपको एक ही जगह पे बहुत से खाने इकट्ठे मिल जाते हैं एंड यू इन्जॉय योर सेल्फ। तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम और जो पाकिस्तानी आज डिशेज हम सीखेंगे शफकत साहब से, वो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पहले तो आप ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं व्यूअर्स देखने वाले और बहुत से लेटर्स मौसूल हुए हैं कि आपने बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाने सिखाए, तो हाउ यू फीलिंग? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने व्यूअर्स का जो मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे खानों को पसंद कर रहे हैं, और उसके बाद आपका कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प और किया है, बहुत ज़्यादा मेरी मदद की है इस काम में, तो मज़ा आ रहा है इस काम में। दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताइए कि कौन सी डिश आज आप हमें सिखाएंगे बनानी? मैं आज आपको पाकिस्तानी डिश बनानी सिखाऊंगा जिसका नाम है मटन गुलिस्तानी। मटन गुलिस्तानी क्या गुलिस्तान में बनती है? नहीं, गुलिस्तान में तो नहीं बनती, लेकिन इसकी जो है ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होगी। अच्छा, जस्ट लाइक गुलिस्तानी, गुलिस्तान टाइप के। और इसमें जो खुशबू बहुत मजे की, स्पेशलिटी ऑफ दिस डिश इज फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस और लुकिंग वाइज बहुत अच्छी लगी। अच्छा चलें ठीक है, तो व्यूअर्स सबसे पहले आप मटन गुलिस्तानी जो कि आज हमारी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल डिश है, देसी डिश है, उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। आपने इस डिश के इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम शफकत साहब से कहते हैं कि हमें जरा इसका मेथड बताएं कि हमने करना क्या है। बिल्कुल, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक अदद बॉल पड़े वाला। ओके, स्ट्रक्चर थैंक यू। इसमें जो सबसे पहले हमें मटन छोटा कटा हुआ, मटन बड़ा कटा हुआ, ये आप ले सकते हैं नॉर्मली, जैसे भी आप कटिंग आपको चाहिए हो। ये मैंने तकरीबन जो है आधा केजी जो है मटन लिया मैंने, आधा केजी मटन, आधा किलो मटन आपने लिया है। हम लोगों ने मेरे ख्याल से थोड़े छोटे ही पीसेस रखे हैं। बिल्कुल हाँ, तो इसको जो है आपने जब आप कटवाते हो तो इसको थोड़ा सा ना धो लें। अच्छा, ताकि इसमें जो कचरा वचरा है वो निकल जाए। सफाई के लिए भी जरूरी है कि थोड़ा सा। लेकिन इस डिश की जो खास बात है, आम पाकिस्तानी डिशों में जो है मसाला भूनते हैं और वैसे जो है मटन डाल देते हैं और पका लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग इसको पहले से मैरिनेट करेंगे। तकरीबन 150 ग्राम दही जो है वो इसमें हम लोग डालेंगे। 150 ग्राम दही आपने डाला है जी, आधा किलो चिकन में। जी बिल्कुल। उसके बाद सूखा धनिया पिसा हुआ हाफ टी स्पून। ओके, लाल मिर्च हाफ टी स्पून, नमक हस्ते सायका, आपने अगर नहीं भी डालना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मसाले में भी मसाले में डाल सकते हैं। मगर अगर वो गोश्त में आप डाल देंगे तो वो जो बोटी में टेस्ट आता है गोश्त का, तो इट्स इम्पोर्टेंट। ताकि जो मटन में जो है ना इसका टेस्ट रच जाए। ठीक है, हल्दी, हल्दी हमें थोड़ी ज्यादा डालनी। अच्छा, 1 टीस्पून
अच्छा, यूजुअली तो हम पाकिस्तानी खाने में बिल्कुल पिंच ऑफ डालते हैं ना, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा डालनी है। राइट, ये है जी रेड चिली होल, इसको साबुत लाल मिर्च, इसको यूं करके काट तोड़ के, अच्छा तकरीबन 3 से 4 पीस जो है ना इसमें हम डाल दें। अच्छा, ये भी मैरिनेशन में हम डालेंगे। ये भी मैरिनेशन, ठीक है। अभी जो है मैरिनेशन हमारे तकरीबन थोड़ी, अब इसको हम मैरिनेट करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको मैरिनेशन के प्रोसेस के लिए कितनी देर के लिए रखना है? इसको हमने मिनिमम जो है 2 घंटे के लिए रखना है, मिनिमम। अच्छा, कम से कम 2 घंटे पहले हमने इसको मैरिनेट करके तो रख देना है, फ्रिज में रख दें, ताकि इसमें जो है मसाला ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में बाकी नहीं, क्योंकि खराब हो जाएगा हमारा। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि सारे जो सीजनिंग हमने डालने हैं, जितने भी मसाले डालने हैं, वो अच्छी तरह से रश बस जाए। अच्छा, हल्दी की वजह से वो येलो कलर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। मटन जो हमारा मैरिनेट हो गया, इसको हमने 2 घंटे के लिए जो है वो रख देना, इसमें जितने भी हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं वो जस्ट हो जाए। ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स हम इसकी बाकी की प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। जी तो व्यूअर, मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और अब हम शफकत साहब से कहेंगे कि हमें आगे बताएंगे क्या करना है। बिल्कुल जी, हमें अब चाहिए होगी एक अदद कढ़ाई। ओके, इसको भी हम चूल्हे पर रखें। थोड़ा गर्म होने दें, उसके बाद इसमें हमने तकरीबन 100 ग्राम जो है ऑयल डालना है। इस पाकिस्तानी खाना है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल। ठीक है, 100 ग्राम कितने टेबल स्पून होगा, या कप? एक आधा कप, आधा कप, आधा कप, आधा कप ऑयल आप कढ़ाई में डालें, कढ़ाई को गर्म कर लें ताकि ऑयल गर्म हो जाए। ये हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल को थोड़ा सा कड़का लें, कड़का लें यानी जरा गर्म कर लें। अच्छा, इसका स्टाइल जो है वो ही होगा ट्रेडिशनल खानों की तरह, कि आप पहले इसको प्याज में लाल करें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस से ठीक है, मगर ये कि जो मैरिनेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा हटके हटके, ठीक है, फाइन। और ये डिश कितनी देर में तैयार हो जाती है, क्योंकि मटन यूजुअली जरा देर लगती है, तकरीबन 35 मिनट में तैयार हो जाती है। अगर हम इसको पहले से मैरिनेट करके रख लेंगे, किसी चीज़ को भी आप मैरिनेट करके पहले से रख लेते हो ना, तो उसके गलने में भी जल्दी आसान हो जाता है। गरम हो गया, इसमें हमने 200 ग्राम प्याज जो है उसको छील के जूलियन कटिंग में रखा हुआ है। जूलियन कटिंग होती है कि आप प्याज को गोल गोल यूं काट लें। बिल्कुल, हम जो घरेलू खवातीन है वो वैसे जो जैसे कटिंग वो करती हैं वैसे भी कर सकते हैं। चलिए, आपको इतना हमने छूट दे दी है कि आप जैसे करती हैं कर लें, लेकिन जूलियन अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। जूलियन इज सेम कटिंग ना, कि आप उसको गोल कटलों में काटें, दरमियान में से उसको दो करके, हाँ, तो फाइनली जो है ना, हाँ जी, तो उसी तरह से कट काट। अच्छा, तो गोल नहीं, वो तो रिंग्स हो गए ना। हाँ, वो रिंग्स। अच्छा, अब इसको हमने पिंक करना है कि ब्राउन करना है? इसको ब्राउन करना है, जैसे हम लोग ग्रेवी भूनते हैं ना घरों में, वैसे इसकी ग्रेवी भूनना है। ठीक है, अच्छा, ये पंजाब की डिश, ये कौन सी, किस कहाँ की डिश है? पंजाब की डिश, पंजाबी डिश है, देसी, स्पाइसी है थोड़ी। अच्छा, अच्छा, वैसे शफकत साहब, आपको पर्सनली पाकिस्तानी, इटालियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खानों में इजी टू कुक, जो आसानी से बनाने वाला होता है, वो क्या लगता है? चाइनीज खाना, बिल्कुल, चाइनीज फूड तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कि आप यूं करके खड़े हुए कढ़ाई सब कुछ चीज़ें डाली हैं, फटाफट उसमें स्टॉक डाला, उसको ठीक किया और दे दिया, लेकिन इसको तो बुनाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। कॉन्टिनेंटल चीज़ में उसकी जो है प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, पत्ती बेशक वो कम देर में ही है, लेकिन उसकी प्रेपरेशन जो है ना पहले से। हाँ, प्रेपरेशन आपको पहले करनी है।
अभी है वो ब्राउन होना शुरू हो गया, थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, उसके बाद फिर ब्राउन होना शुरू होगा। इसको हिलाते रहना है ताकि ये जले ना साइड से। मसाला भुनने का स्टाइल ही ये है कि आप अगर पाकिस्तानी भूत जितना आप भुनेंगे उतना टेस्ट अच्छा है, और जब इसका मसाला बना रहे हो तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो इसकी तरफ होनी चाहिए। अच्छा मेरा ख्याल है कि अब ये वो तकरीबन उस तरह का हो गया है जो हम चाह रहे हैं। आप ब्राउन कह रहे थे, अभी पिंक सा हुआ है, थोड़ा सा ब्राउन और हो जाएगा। ब्राउन करना है हमें। देखिए अभी ये कुछ जो है ना बड़ी कटा हुआ प्याज है वो जल भी रहा है, लेकिन इसको जलने नहीं देना आपने, हिलाते रहेंगे। ये अब वो स्टेज आ गई है कि हम इसमें जो है गार्लिक और जिंजर ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है। चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर, और एक टीस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक एंड जिंजर हमने चॉप किया हुआ डाला, जिसकी बहुत बहुत ही मजे की खुशबू होती है, धीमी सी, जो कि पाकिस्तानी डिशेस की जान होती है डेफिनेटली से। ये जो लहसुन और अदरक की जो खुशबू होती है हर डिश की शान है। जैसे आप किसी इवन चाइनीज में आप किसी को बुनियाद को जब अमारत को बनाते हैं ना, तो उसके लिए उसकी नींव जो है वो रखना जरूरी है। अच्छा ये तो बड़ा वो खड़ा खड़ा सा प्याज हो गया है ना, ये जब हम टमाटर डालेंगे ना उससे इसकी ग्रेवी बनना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये अब इसमें हम ब्राउन हो गया। अब इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे। टमाटर में मैंने तकरीबन 3 तो टमाटर है ना, उसको मैंने अच्छा ये मुझे बात है, ये जिस तरह से आग निकल रही है इस तरह भी निकलना जरूरी है, ये रेसिपी नहीं, ऐसा तो नहीं, नहीं ये कढ़ाई की वजह से निकल रही, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैं क्या वो खवातीन परेशान ना हो जाए घर पर, ये भी निकलना जरूरी है, हो सकता है कोई मटन गुलिस्तानी की कोई खासियत हो। जी हमने टमाटर डाल दिए इसमें और अब हम इसको भूनेंगे दोबारा। टमाटर तो जो है वो अच्छे तरीके से आपने पीस में। ठीक है, अच्छा हम इसमें टमाटर ब्लेंड करके डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अच्छा कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं प्याजों को काट के ही डालती हूँ, क्योंकि फॉर सम रीज़न प्याज काटने बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, आंखों में से आंसू निकलने शुरू। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं उसे चॉप कर लेती हूँ चॉपर में, और फिर चॉपर से चॉप करके फिर मैं उसमें डालती हूँ, तो वो भी ठीक है तरीका, वो भी ठीक है, उसमें मसाला बड़ा अच्छा अच्छा बन रहा है, मगर उससे कोई टेस्ट पे फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ये प्याज जो है ये भुना है तो ठीक है ना, वो जो है वो इतना टाइम नहीं लेगा, नहीं लेगा, मगर ये कि वो टेस्ट भी उसका उसका से नहीं होगा जो इसका जो इसका टेस्ट है। सही कह रहे हैं। इसको अब मजीद भुनेंगे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए, जब ये ऑयल छोड़ दे उतनी देर में हम लोग फिर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो है वो मैरिनेशन की है मटन की, तो अभी इसको मजीद हम जो है ना हल्का सा टेस्ट देंगे, ज़्यादा नहीं टेस्ट देना। अच्छा मतलब इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, मगर ज़्यादा नहीं डालने हैं ये मसाले वगैरह। अच्छा बिल्कुल, जस्ट पिंच। अच्छा या आपने इसमें नमक डाला, सूखा धनिया, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालनी है, वही जो मैंने मैरिनेशन डाली वो थोड़ी थोड़ी डालनी है। ओके, इसको भूनेंगे हम। इसमें आपने डाला है नमक, धनिया, गरम मसाला और जीरा और काली मिर्च, वो लाल मिर्च अभी नहीं डाली, लाल मिर्च क्योंकि लाल मिर्च हमने मैरिनेट में डाली है, मिर्च ज़्यादा वैसे भी बीमारी का बाय, वैसे तो नमक भी थोड़ा कम ही खाना चाहिए ब्लड प्रेशर। बिल्कुल, मगर मेरा ख्याल है कि आप अपनी लाइफ में अपने खानों में जो भी आप काम करते हैं उसमें जितना बैलेंस रखेंगे, जितनी म्यारा रवि रखेंगे वो अच्छा होता है आपकी ज़िंदगी के लिए, चाहे वो खाने हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये बैलेंस तरीके से चलना चाहिए, ना किस चीज़ की ज़्यादती होनी चाहिए ना किस चीज़ की कमी होनी चाहिए।
ये हमारा ये मसाला जो है वो तकरीबन तैयार है। अब इसमें हम लोग मटन जो हमने मैरिनेशन किया हुआ है दो घंटे के लिए रखा हुआ था उसको हम ऐड करेंगे। ये जी मटन हमने मैरिनेशन जो हुई थी मटन की उसको हमने ऐड किया और आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी भुनने में प्याज और टमाटर में वो डाला है तो उसकी कितनी अच्छी शक्ल अभी आई एम श्योर ये और भुनेगा तो इसका और टेस्ट आएगा। अब हमने इसको खूब भूनना है। बिल्कुल खूब भूनना है। अच्छा आई इट्स सो इजी इजंट इट, मतलब आपने आराम से मैरिनेशन कर ली उसके बाद आपने दो घंटे के बाद इसको भून के तो डाल दिया और अब आपने भूनना है बिल्कुल एंड दैट्स इट। भूनने के बाद इसको स्टीम पे लगाएंगे ताकि ये गल जाए। उसके बाद जो इसके वो इंग्रेडिएंट्स पहले लिखवाए हुए हैं काजू नट्स और रेड चिली और साथ में ये प्लम है उसको जब हम स्टीम पे लगाएंगे तो इसमें डाल देंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो अच्छी। थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड करेंगे क्योंकि जब मटन है अगर चिकन होगा तो उसमें जो है पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अभी तो, लेकिन मटन है इसका मसाला मजीद भूनना है हाँ। इसमें थोड़ा सा पानी मजीद ऐड कर देंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है ज़्यादा गाढ़ी ना हो। अच्छा इसको करते रोटी नान या पराठे के साथ ही सर्व करते हैं, मतलब चावलों के साथ तो बिल्कुल ये डिश नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जी। तो आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी हमने इसको भून लिया है और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। बिल्कुल वो जो येलो मैरिनेशन हल्दी का कलर था ना वो इट्स बिकम लाइक डार्क ब्राउन जो भुना हुआ होता है। अब से इसका ऑयल जो है ये देखिए बाहर निकल रहा है। एग्जैक्टली जैसे ग्रेवी इस तरह करना शुरू कर देते जैसे बबलिंग हो रही है ना तो दैट्स मीन कि ग्रेवी जो है वो भुन गई। सही ठीक है। ग्रेवी को भूनने के बाद अभी ये बिल्कुल भुन गया है इसको हमने दम पे लगाना है। दम पे लगाने से पहले इसके हम पानी ऐड करेंगे इसमें ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी मजीद पतली हो जाए और अच्छी मैश हो जाए। ठीक है तकरीबन एक कप जो है हमने पानी लगाना है इसको। एक कप पानी इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से इसको हिला के और हल्की आंच पे इसको दम पे लगा देना है। दम पे लगाने से पहले हम लोग इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं मैं बता दूंगा अभी आपको। तो इसी आंच पे इसको दम पे लगाने से पहले हम लोग काजू नट्स जो कि कहीं भी जो है ड्राई जहाँ पे मिलते हैं फ्रूट्स वहाँ से मिल जाते हैं उसके बाद ये तिरछी कटी हुई जो है ना ग्रीन चिलीज अदरक देखिए वही कलरफुल इसकी स्मेल बहुत अच्छी होगी फ्रेग्रेंस। ठीक है अब इसमें जो है वो सारी चीज़ें ऐड हैं। अब इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है इसको दम पे लगा देंगे। तो दम पे लगाने के लिए हमें इसको कवर करना होगा। फॉर 20 मिनट्स हम इसे कवर करेंगे और उसके बाद मटन गुलिस्तानी जो है वो बिल्कुल तैयार होगा। ठीक है आफ्टर 20 मिनट्स। हालत भी बहुत अच्छी है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। वेरी नाइस इट्स लुकिंग रियली टेम्प्टिंग। बहुत मजे की लग रही है। निकालेंगे बाहर कितने अच्छे लग रहे हैं।
एग्जैक्टली सारे वो इवन रेड चिलीज भी बहुत अच्छी लग रही हैं साबुत very nice it is even looking very nice tempting bahut lag rahi hai so viewers bahut hi tempting interesting aur easy to cook मटन गुलिस्तानी बिल्कुल रेडी है इसे अगर आप चाहें तो रोटी नान पराठे जिसके साथ चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट का जिसमें हम आपको स्वीट्स ड्रिंक्स और सैलड्स बनाना सिखाते हैं तो शबके साहब आप हमें बताइए कि आज आप हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं मैं आपको ड्रिंक में जो है वो पिना कोलाडा बनाना सिखा रहा हूँ आज यानी आपने फैसला कर लिया है कि अब गर्मी आ गई है आप हमें ड्रिंक्स ही बनानी सिखाएंगे ताकि सारे लोग ठंडे रहे अच्छा लड़ाई ना करेंगे बिल्कुल भी नहीं लड़ाई तो वैसे भी जी बड़ी बुरी चीज है और एनीवे हम पीना कोलाडा के सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं आप लोगों ने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे पीना कोलाडा के मेरा ख्याल है अब हमें मेथड की तरफ चलना चाहिए और सबसे पहले आपको एक ब्लेंडर चाहिए ऑब्वियसली अच्छा इज इट वेरी इजी मतलब जल्दी से बन जाता है हां बिल्कुल बिल्कुल एक ही दफा हम डालेंगे इसको और इसको कर लेंगे ब्लेंड ब्लेंड कर लेंगे सबसे पहले हमें चाहिए होगा कोकोनट मिल्क ये बाजार में से मिल जाता है लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप दूसरा दूध एक सादा दूध लेके तो उसमें क्रश कोकोनट मिलता है बाजार से कोकोनट पाउडर ही बोलते हैं उसको कोको पाउडर नहीं कोकोनट पाउडर कोकोनट पाउडर व्हाइट कलर में होता है ठीक है उसके इसमें डाल के तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है अच्छा ये जो आप मिल्क डाल रहे हैं कोकोनट मिल्क ये कोकोनट के अंदर भी एक होता है पानी होता है ना वो हाँ जी वो कोकोनट मिल्क में और उस पानी में फर्क फर्क हाँ ठीक है हमें कोकोनट मिल्क चाहिए नॉट कोकोनट पानी पानी नहीं चाहिए उसका कितना ये हमें तकरीबन अगर हम एक ग्लास बना रहे हैं तो उसके लिए हमें आधा कप चाहिए अगर दो ग्लास बना रहे हैं तो उसके लिए हमें दो कप चाहिए एक कप अच्छा एक कप दो कप अगर हम डालेंगे तो चार कप चार ग्लास बन चार ग्लास बन जाएंगे उसके बाद पाइनएप्पल जो कि स्लाइस में मिलता है तीन पैक मिल सकता है फ्रेश में भी यूज कर सकते हैं उसको उसको फाइन काटा हुआ हमने कितना डाला है इसमें कोकोनट पाइनएप्पल सॉरी पाइनएप्पल पाइनएप्पल हमने इसमें तकरीबन 150 ग्राम पाइनएप्पल डाला ठीक है वो तीन से चार स्लाइस बन जाते हैं चार स्लाइस को आपने काट के तो उसमें डाल देना ठीक है उसके बाद फ्रेश क्रीम अच्छा 100 ग्राम फ्रेश क्रीम अच्छा सिंपल क्रीम है ये सिंपल क्रीम ठीक है क्रीम डाल दी हमने इसे उसके बाद मतलब वो लोग जो डाइटिंग पे हैं वो नहीं पी सकते इसको क्रश आइस क्रश साइज इसमें हमने ये अपनी उसके मुताबिक दे डाली कि जितना नहीं, नहीं इसमें हाँ। थोड़ी ज्यादा डालनी अच्छा इसमें जो है ना क्रश आइस जो है वो स्पंज की तरह बन जाएगी ओके जैसे जैसे मेल्ट होगी वैसे वैसे आप पिएंगे उसका टेस्ट आएगा ओके यू नीड मोर आइस इन दिस फाइन ये हमने इसमें डाला अब पाइनएप्पल जूस डालेंगे ठीक है एक कप ये डालेंगे पाइनएप्पल जूस हमने एक कप डाल दिया और क्योंकि मीठी चीजें डाली हैं इसलिए इसमें शुगर ज्यादा नहीं डाली इसमें तकरीबन हम एक टेबल स्पून पीना कोलाडा में जरा कम होती है चीनी कंपैरेटिवली बिल्कुल एक टेबल स्पून हम लोग चीनी इसमें डाल देते हैं लेमन जूस अभी नहीं डाला क्योंकि लेमन जूस डालने से अगर आप उसको ब्लेंड करेंगे तो वो फाड़ देगा इसको फट जाएगा अभी नहीं डालेंगे पहले थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें ठंडा होने से ये होता है कि लेमन जूस जो है वो असर नहीं करता ठीक है अच्छा हमने सारे बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के तो अब इसको हम ब्लेंड करने जा रहे हैं ब्लेंड करना है
ये जो है ना हमने इसको ब्लेंड कर लिया जी, ठीक है। अच्छा ये सारी जो आइस थी वो बिल्कुल क्रश हो गई, इट्स ऑल ब्लेंड ब्लेंड। अब इसमें हम लोग लेमन जूस ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, क्योंकि ये सावर होता है इसलिए लेमन जूस थोड़ा ज्यादा डालना, ठीक है। ठीक है जी, 2 टेबलस्पून हमने इसमें लेमन जूस डाल दिया, नींबू का जूस डाला है, नींबू का रस। अच्छा ज्यादा ब्लेंड नहीं करना उसको, हल्का सा। अच्छा पुट इन मोर आइस इन दिस। मैं ये सोच रही थी कि ये तो बहुत आसान है ब्लेंड करना, तो कोई ये समझता नहीं, हर किसी को पता होता है, मगर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस रेसिपी की भी है वो है इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी, कि आपने कितनी मिकदार डाली है, बिकॉज जितना ज़रा सा कम और ज्यादा जो है इसके टेस्ट को बिल्कुल खराब कर सकती है या अच्छा बना सकती है, अगर आप परफेक्ट। ये होना चाहिए सावर होता है बेसिकली, सावर होना चाहिए, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, मीठा तो हो गई लेकिन इसमें सावर टेस्ट भी आना चाहिए। टुडेज मेन्यू की दोनों रेसिपीज मटन गुलिस्तानी और पीना कुलारा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इससे पहले कि हम इन डिशेस को ट्राई करें, और जितने शौक से और जितनी मेहनत से आपने बनाए और उतने ही शौक से मैं खाऊंगी, बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू राइट डाउन आवर एड्रेस, और प्लीज हमें जरूर लिखकर भेजिएगा कि आपको ये डिशेस कैसी लगी। हमारा एड्रेस है डायरेक्टर्स प्रोग्राम, टुडेज मेन्यू, पीओ बॉक्स 444, लाहौर, पाकिस्तान। I'll see you next time. Till then, Allah Hafiz. जी आप कहाँ जा रहे हैं? खाना भूखी थी, सब लग रही है मुझे। ओके नान। अच्छा जी, तो अब इसको थोड़ा सा बोलेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आप, ये ना हो हमारे बनते बनते हमारा प्याज काला हो जाए, कॉन्सेंट्रेट हो जाए। टुडेज मेन्यू की दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं व्यूअर्स, एंड आई होप कि आप लोगों ने देखा इसको, लिखा भी सारी रेसिपीज़ को, और आप हमें अपने घर पर बहुत अच्छी है, रियली नाइस, बल्कि मैंने सीख ली आपको बनाने में, मैं अपने घर पर ट्राई करूँगी कैसे। वैसे भी घर बहुत से मेहमान आ रहे हैं, ये बनाऊंगे तो फोन करूँगी, बहुत अच्छा पास हो गए जी, पास हो गए, वेरी गुड, वेरी नाइस व्यूअर्स।